तो किसान भाइयों अगर आपने भी मिर्च की फसल लगा रखी है और मिर्च की फसल में मिर्च का जो पौधा है उसमें आपको बहुत ही कम फुटान देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ जो उसकी ग्रोथ है बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रही है तो इस वीडियो में आपको दो से तीन ऐसे सरल उपाय बताता हूं दोस्तों जिनको अगर आप कर लेते हैं अपने खेत के अंदर अपने पौधे पर तो हंड्रेड परसेंट दो से तीन दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे देखिए ये जो तरीके हैं जो पुराने किसान हैं मिर्च के जो लगभग पंद्रह बीस सालों से मिर्च की खेती करते हुए आ रहे हैं ये के बताए हुए कुछ तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन तरीकों को अपनाकर बिल्कुल आप जो अपनी जो ग्रोथ की समस्या है और जो फुटान की समस्या है बिल्कुल दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही जल्दी अपने मिर्च के पौधे से फल फूल ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं और देश के सच्चे और एक अच्छे किसान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर खेती से जुड़ी एग्रीकल्चर से जुड़ी इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचती रहती हैं तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं मिर्च की ग्रोथ और फुटान को कैसे आप बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की ग्रोथ के बारे में मिर्च की ग्रोथ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं देखिए मार्केट में तरह तरह के आपको टोनिक मिल जाते हैं पीजीआर मिल जाते हैं एसिड मिल जाते हैं जिनका आप अपनी फसल पर स्प्रे करके बहुत ही तेजी के साथ में जो है आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है लेकिन दोस्तों ये टोनिक महंगे होने के साथ साथ आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और गिरा देते हैं दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कोई भी महंगे टॉनिक के बारे में नहीं बताऊंगा आपको बड़े सस्ते ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की जो ग्रोथ है उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आप क्या करना है आप जब भी अपनी फसल को यूरिया देंगे जब भी आप अपनी फसल को दूसरा यूरिया देंगे तीसरा यूरिया देंगे तो उस समय पर आपको क्या करना है यूमिक एसिड जो होता है नाइन्टी एट परसेंट वाला जो काले रंग का दानेदार वाला आता है जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं ब्लैक डायमंड के नाम से भी आता है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको डेढ़ किलो प्रति एकड़ मतलब यूरिया के साथ मिलाकर आप दो किलो की मात्रा कर सकते हैं इसके कोई भी निगेटिव प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे आप इसको मिलाकर अपनी फसल पर दोस्तों बिखेर दीजिए और उसके बाद दोस्तों नमी अपने खेत में कर दीजिए खेत में नमी होनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए अगर आप चाहें तो आप इसका स्प्रे भी ले सकते हैं अपनी फसल पर ह्यूमिक एसिड जो 98 परसेंट वाला दानेदार आता है ये पानी में घुलनशील होता है और इसके जो रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों ये बिल्कुल जड़ से काम करता है आपका और जड़ की जो फैलाव है दोस्तों उसको तो बढ़ाता ही बढ़ाता है और आपके पौधे को हरा भरा रखता है साथ ही साथ तेज़ी से वृद्धि करता है इसको दोस्तों कई किसान भाई धनिए में या इस्तेमाल करते हैं पालक में इस्तेमाल करते हैं उसको हरा भरा रखने के लिए और उसको जल्दी से जल्दी से बढ़ाने के लिए तो यह तरीका सबसे सस्ता का सस्ता का रहता है और सबसे कारगर भी होता है है ह्यूमिक एसिड जो आता है आपको दोस्तों अच्छी कंपनी साढ़े तीन सौ से चार सौ के बीच पड़े आराम से बीज की जो दुकान होती है वहां से मिल जाएगा पहला तरीका हो गया ही ग्रोथ बढ़ाने का दूसरा तरीका अगर आपकी जो ब्रांचिंग जो शाखाएं हैं दोस्तों बहुत ही कम आपका जो फुटान है वो मिर्च के पौधे में हो रहा है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है देखिए इसमें आपको कोई भी ना तो दवाई लगाने की ज़रूरत है ना दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत है आपको सब सिर्फ इतना काम करना है आपको जो मिर्च का जैसे पौधा है ना उसके जड़ में से जो आसपास छोटी छोटी जो सकर्स जो टहनियाँ निकल रही होती हैं आपको उनको तोड़ देना है उनको तोड़ने के बाद दोस्तों आपका जो पौधा है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें दोस्तों जल्दी से जल्दी उसमें ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी देखिए क्या होता है मिर्च की जो निचले जो तने में आपको छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं वो सारी एनर्जी जो है पौधे से ले लेती हैं जिसके कारण हमारा पौधा ज़्यादा फुटान कर ही नहीं पाता है तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको क्या करना है आपकी जो टहनी है नीचे की उसमें जो छोटी छोटी डंडियाँ निकल रही हैं जो टहनियाँ निकल रही हैं उनको तोड़ देना है और जो ऊपर भी आपको दिख रहा है कोई बहुत सारी ऐसी टहनियाँ निकल रही हैं जो दोस्तों तो उनको भी आप अलग कर सकते हैं इससे आपका पौधा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फुटान करेगा और बहुत ही जल्दी उस पर फूल आने शुरू हो जाएंगे और आपके फल बनना शुरू हो जाएंगे तो ये तरीका हो गया दोस्तों फुटान का इसमें कोई भी दवाई का आपको इस्तेमाल नहीं करना है बस थोड़ी मेहनत का काम है पूरे खेत में दोस्तों आप इसकी सकर्स को हटवा दीजिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको फिर देखने के लिए मिलेंगे अब दोस्तों फल फूल की अगर हम बात करें आप कैसे ज़्यादा ले सकते हैं तो आप जब अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं मिर्च की पौध को जब अपने खेत में लगा देते हैं तो खेत में लगाने के पंद्रह से बीस दिनों के बाद दोस्तों आपको एन पी के उन्नीस 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 का हर पंद्रह से बीस दिन के अंतराल में अपनी फसल पर स्प्रे ज़रूर करना है देखिए आप बहुत सारी चीज़ें तो दे देते हैं मिर्च को लेकिन काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है तो वो हम कई बार नहीं दे पाते हैं तो आप एन पी के उन्नीस 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 जो एक किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल पर स्प्रे कर दीजिए बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे लेकिन ये काम खेत में जब आप अपने लगा देते हैं मिर्च के पौध को उसके बाद करना है ये तीन तरीके तो दोस्तों हो गए मिर्च की ग्रोथ के फुटाव के और दोस्तों फल फूल ज़्यादा लाने के अब बात करते हैं दोस्तों अगर आपकी जो मिर्च में जो पैदावार है वो कम देखने के लिए आपको मिलती है तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं देखिए टाटा कंपनी का एक अभी नया नया माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद अभी लॉन्च हुआ है जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व जो मिर्च की फसल को चाहिए होते हैं चाहे वो कोई भी प्रकार का सल्फर मैग्नीशियम कैल्शियम बोरोन सल्फर जितने भी हमारे ये चौदह प्रकार के पोषक तत्व होते हैं ये सभी आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको टाटा ध्रुवी गोल्ड जो खाद है दोस्तों उसके अंदर मिलने वाले हैं ये खाद दोस्तों इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि दोस्तों उसके जो रिज़ल्ट हैं वो सारे खादों को फ़ेल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे उसके रिज़ल्ट देखे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस खाद का अगर इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फुटान भी ले सकते हैं और ज़्यादा पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल को दोस्तों बिल्कुल हरा भरा रख सकते हैं बस ये कुछ तरीके थे जिनको अपना आप अपने खेत में दोस्तों बिल्कुल बढ़िया करके फुटान भी ले सकते हैं ग्रोथ भी ले सकते हैं वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ऐसी जानकारी मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाता रहूँगा मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों